हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली डोज फॉर किड्स। दोस्तों, अक्सर आपने न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर के थ्रू सुना होगा कि कोरल रीफ का हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। बट कोरल रीफ होता क्या है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे हमारी ज़िंदगी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, आज हम इस वीडियो में इन सभी सवालों के आंसर्स डिटेल में जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कोरल रीफ जानने से पहले हम यह जानते हैं कि कोरल्स आखिर होते क्या है। तो कोरल्स बेसिकली एक एनिमल होता है जो कि सी बेड में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल कछुए के ऊपर बनी थिक लेयर जैसी होती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इन स्केलेटन को हम लोग बोलते हैं पॉलिप्स, और ये दिखने में बहुत ही कलरफुल होते हैं। और ये कलरफुल इसलिए दिखते हैं क्योंकि इनके ऊपर जो एल्गी होते हैं वो कलरफुल इफ़ेक्ट दिखाते हैं। तो ये होते हैं कोरल्स। आई होप कोरल्स आप सभी को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट, ये कोरल्स साइज़ में बिल्कुल छोटे भी हो सकते हैं और 30 सेंटीमीटर तक बड़े भी हो सकते हैं। ये मूव नहीं करते हैं और एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं और पूरा जीवन बिल्कुल ऐसे ही गुजार देते हैं। अगर कोई कोरल मरता है तो उसी जगह पर कोई दूसरा पैदा हो जाती है, और इसी प्रकार समय के साथ वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पाइलअप होती जाती है। पाइलअप का मतलब एक ढेर बन जाती है, और उसी कोरल की ढेर को हम लोग कोरल रीफ बोलते हैं। तो ये हो गया पूरा कोरल रीफ क्या होता है, कैसा दिखता है और कहाँ पाया जाता है। सो अब हम जानते हैं कि कोरल रीफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है। पहला वजह यह है कि ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि कोरल रीफ समथिंग अराउंड 400 मिलियन ईयर्स पहले मिला है। तो हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं कि उस कोरल रीफ के अंदर कितने सारे कीड़े, छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ रह रही होंगी। सो उनके लिए ये एक प्रकार का पूरा घर ही हो गया। दूसरा वजह यह है कि यह एक प्रकार का CO2 एब्जॉर्बिंग डिवाइस की तरह काम करता है। बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और सीक्रेट करता है कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसका सेल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो जो भी ओशन के CO2 होते हैं उसे कोरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, और सर्टेन बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग करने के बाद उसे वो सीक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में। इस तरह से कोरल्स ओशन के CO2 को रिड्यूस करता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोरल्स नहीं होंगे ओशन में तो CO2 के लेवल्स कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बट सारी मछलियों को तो ऑक्सीजन चाहिए, फिर आप सोच सकते हैं कि उन फिशेज को सर्वाइवल में कितने बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। इसे आप और हम इंसानों के साथ कंपेयर करके और बेहतर समझ सकते हैं कि अगर पृथ्वी से पेड़ को हटा दिया जाए तो हमारे लिए ज़िंदा रहना कितना कठिन हो जाएगा। और तीसरा वजह जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो भी साइक्लोन्स, टोर्नेडोज, हरिकेन्स, चक्रवाती तूफान ओशन से होकर गुजरती हैं उसमें ये कोरल रीफ्स डिस्टर्बेंस क्रिएट करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं और उन वेव्स को स्लो डाउन करता है। सो ये हमारे तीन इम्पॉर्टेंट कारण हैं जिसकी वजह से कोरल रीफ्स हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं और हमारे ओशन के लाइफ के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। बट नाउडेज कोरल रीफ धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और इसका बहुत ही बड़ा वजह है ग्लोबल वार्मिंग। बेसिकली कोरल रीफ टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, मतलब ना तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही बहुत ही कम टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं। बट ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर राइज हो रहा है और कोरल रीफ्स डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। अगर इस ग्लोबल वार्मिंग को समय रहते वर्कआउट नहीं किया गया तो ये पूरे मरीन लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नाउ अब हम कोरल्स और कोरल रीफ्स के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कोरल्स के बारे में, तो कोरल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला सॉफ्ट कोरल्स, ये वो कोरल्स हैं जो बुशेज, स्मॉल प्लांट्स के शेप को रिजेंबल करते हैं। और दूसरा हार्ड कोरल्स, जो बिल्कुल चट्टानों की तरह स्थिर रहते हैं, और रीफ्स जो बनाते हैं वो हार्ड कोरल्स ही रीफ्स बनाते हैं। अब कोरल रीफ्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहला फ्रिंजिंग रीफ, दूसरा बैरियर रीफ और तीसरा एटॉल रीफ। कोरल रीफ्स पूरे विश्व में
अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पर, रेड सी में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पर, यूएसए, फ्लोरिडा और ब्राज़ील के कोस्ट पर और इंडिया के सदर्न कोस्ट पर पाए जाते हैं। प्रिसाइजली इंडिया में कोरल रीफ पाए जाते हैं आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड के कोस्ट पे, गल्फ ऑफ मन्ना तमिलनाडु में, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में, लक्षद्वीप आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में जो द ग्रेट बैरियर रीफ है, यह दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। सो माई फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। एंड इन कमिंग डेज ऐसे ही मैं इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पर वीडियो लाता रहूँगा। टिल देन कीप शेयरिंग दिस वीडियो और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।